आपको कुछ भी पे नहीं करना और उल्टा जर्मन आपको 360 या 380 यूरो हर महीने दिया करेगा। और आपको कहते हैं कि 3 महीने आपको काम करने की परमिशन नहीं है, लेकिन 3 महीने में आप जर्मन का कल्चर सीखें, लैंग्वेज सीखें। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, आप जर्मनी में असाइलम करना चाहते हैं और एक आसान लाइफ जीना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमें ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी हो और आसानी से हमारा असाइलम हो जाए जर्मन फ्रांस में, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब भी आपने किसी भी कंट्री में जाना होता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो आने से पहले आप किसी भी इंसान से, ठीक है, या तो आप कंसल्टेंसी लेके आया करें या पूरी डिटेल और इन्फॉर्मेशन लेके आया करें, क्योंकि बाद में आप लोग जब आ जाते हैं जर्मन फ्रांस में, तो आपने जो अपने माइंड में इमेजिन बनाया होता है, एक लाइफ आपने सोची होती है कि यार जर्मन में, फ्रांस में जाऊँगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो जनाब जब आप पहुँचते हो तो वो हकीकत के उल्टा ही बरक्स होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। तो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आया करें किसी भी बंदे से, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन से आपके जनाब पैसे भी बच जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा जलीलो हवार होने से भी बच जाते हो। तो जनाब देख लें, अभी समझ लें कि आपका जर्मन फ्रांस का वीज़ा लगा हुआ है और आपकी डेस्टिनेशन क्या है। आपकी डेस्टिनेशन ये है कि यार हमने जर्मन में असाइलम करना है, क्योंकि मुझे मोस्टली लोग यही मैसेज करते हैं कि सलमान हम जर्मन में असाइलम करना चाहते हैं। असाइलम करने के लिए पहले आपको कोई वकील की ज़रूरत है या नहीं, ये भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन होता है आप लोगों का। बिल्कुल नहीं। अगर आपने जर्मन, फ्रांस, इटली में असाइलम करना है ना, तो असाइलम स्टार्टिंग में करवाने के लिए आपको किसी भी वकील की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपका असाइलम रिजेक्ट हो जाता है, रिफ्यूजी रिजेक्ट हो जाती है, तब आपको ज़रूरत पड़ती है वकील की। और ये असाइलम है क्या, आसान लफ्ज़ों में? बहुत अपने इंडियन पाकिस्तानी वीर ए भी मैसेज कर दे हैं कि यार ए है की चीज़ है। तो जनाब असाइलम वो चीज़ होती है कि समझ लें कि हमें इंडिया पाकिस्तान में आपकी जान को ख़तरा है। मिसाल के तौर पे अगर आपने असाइलम करने का सोचा है, आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, और आप अभी जर्मन में हो, तो आप जर्मन वालों को क्या बोलोगे कि आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो लाइफ है, वो इंडिया पाकिस्तान में सेफ़ नहीं है। हालांकि ये झूठ ही होता है, उनको भी पता होता है कि इंडिया पाकिस्तान अभी सेफेस्ट कंट्री है, कोई वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक बंदा यहाँ पे ऐसी ही स्टोरी बनाता है ताकि वो अपना असाइलम स्टार्ट कर सके, अपनी रिफ्यूजी ले सके, मतलब के पनाह ले सके, ठीक है। जैसे कि यूक्रेन में अभी जंग का माहौल चल रहा है, तो यूक्रेन के सारे लोग जर्मन में, फ्रांस में आए हुए हैं असाइलम करने के लिए, और ये ओरिजिनल है, ठीक है, क्योंकि वो वाकई रशिया में उनकी लाइफ को ख़तरा है, तो उन्होंने यहाँ पे आके प्रोटेक्शन ले लिया, ठीक है, असाइलम ले लिया, और उनको पेपर्स में मिल जाएंगे, क्योंकि उनका बिल्कुल ही जेन्युइन काम है। लेकिन हमारे जो देसी होते हैं इंडियन पाकिस्तानी, अभी इंडिया पाकिस्तान में कोई इतना खास तो प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन लोग स्टोरीज बनाते हैं, जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग ये भी स्टोरी बनाते हैं कि हाँ पाकिस्तान में हम गे थे। अभी गे क्या है, जो मिसाल के तौर पर दो बॉयज़ आपस में प्यार करते हैं, ठीक है। अभी लोग कह रहे होंगे सुनने वाले, यार ये क्या ही बात कर दी। तो जनाब यहाँ पे सब कुछ ही होता है, हमारे ये जो अपने इंडियन पाकिस्तानी लोग हैं, ये सारे काम यहाँ पे वो करते हैं, ठीक है, असाइलम पाने के लिए, असाइलम को कामयाब करवाने के लिए। सारे लोग झूठी सच्ची कहानी बनाते हैं। कुछ लोग तो जनाब यहाँ पे अपना मजहब भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूरोप में ऐसा होता है, क्योंकि यूरोप में लोगों को कार चाहिए, पेपर चाहिए, तो लोग अपना असाइलम पास करवाने के लिए बहुत हरी भरी और रंग बिरंगी और तरह तरह की स्टोरीज पैदा करते हैं। और कुछ लोग पूरी डिटेल के साथ अपने ऊपर FIR भी कटवा लेते हैं कि हाँ भाई इंडिया पाकिस्तान में हमारी जान को खतरा था और ये ओरिजिनल प्रूफ है। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन मोस्टली जिन लोगों ने असाइलम करना होता है वो क्या करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हाँ भाई असाइलम हमने करना है क्योंकि हमने वहाँ पे किसी सियासी जमात को, पॉलिटिशियन जमात को हम फॉलो करते थे और वहाँ के लोग हमारे यहाँ अगेंस्ट हो गए। जैसे कि पाकिस्तान में आजकल PTI इमरान खान का बहुत सीन है, तो कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि हाँ भाई हम इमरान खान को सपोर्ट करते थे तो इसलिए हमारी जान को खतरा है, मतलब कि इस टाइप की कहानियाँ आप बनाते हैं। और आपने इन सारी कहानियों में से कोई एक कहानी आपने समझ लें जर्मन वालों को बतानी होती है और आपने बता दी कि हाँ भाई मेरी जान को खतरा है, तो जर्मन वाले फिर क्या करेंगे, आपका असाइलम क्लेम करते हैं, आप अपना असाइलम क्लेम करते हो, वो आपको कह देते हैं ठीक है हम आपको असाइलम देते हैं। लेकिन असाइलम देने का ये मतलब नहीं है कि आपका वो असाइलम पास भी करें, ठीक है, पहले ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। समझ लें,
आप जर्मन में आ गए और आपने असाइलम के लिए एक कैंप में जाना होता है, ठीक है, आपको फ्रैंकफर्ट में मिल जाता है कैंप, आपको स्टुटगार्ट में मिल जाता है, आपको बर्लिन में मिल जाता है, आपको डुसेलडॉर्फ में मिल जाता है, आपको कार्लसरुहे में मिल जाता है, आपको हेरेनबर्ग और हेडलबर्ग में भी मिल जाता है। मतलब कि हर सिटी में उन्होंने कहीं ना कहीं छोटे छोटे आप लोगों के लिए कैंप लोगों के लिए बनाए होते हैं ताकि लोग वहाँ पे जाएं। और वहाँ पे एक और क्वेश्चन भी होता है कि हमें खाने पीने का क्या सिस्टम होता है, तो जनाब कैंप में आपको वो खाना देते हैं, आपको ब्रेकफास्ट में बटर, चीज़, चाय, दूध सब कुछ देते हैं और आपको कुछ भी पे करना नहीं होता। और उस कैंप में अगर आप फैमिली के साथ हैं और आप फैमिली के साथ असाइलम करना चाहते हैं तो हो सकता है आपका जो वो क्राइस है ना, क्राइस क्या होती है, जब आपका वो ट्रांसफ़र डालते हैं ना कैंप से, समझ लें आपको 2 महीने कैंप में रहना होता है या 3 महीने, ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। जब आप असाइलम करते हो तो पहले तो आपको जर्मनी में कैंप में रहना होता है 2 महीने, कभी कभी 2 से 3 महीने भी हो जाते हैं और कभी 2 से थोड़ा कम भी टाइम लग जाता है, ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। तो कैंप में ही आप रहते हो, खाना पीना वहीं पे खाते हो, और अगर आप अकेले हो तो जनाब आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन जो लोग फैमिली के साथ होते हैं, बीवी बच्चों के साथ होते हैं, उनका थोड़ा सा प्रोसेस जल्दी हो जाता है। आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की तरफ से भी बहुत ही ज़्यादा रश है, लेकिन अगर आपकी लक, आपकी जनाब किस्मत अच्छी है तो आपका केस बहुत जल्दी वाइंड अप करके वो क्या कहते हैं कि हमने आपको अभी कैंप से उठा के आपकी क्राइस डाल रहे हैं। क्राइस क्या है, मतलब कि आपको जनाब एक रहाइश दे रहे हैं, आपको एक हाइम दे रहे हैं, और हम जर्मन में उसको क्राइस डालना बोलते हैं, मतलब कि वो आपकी एक क्राइस डाल देते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप आराम से रहें, फिर बाद में आपके मंथली पैसे भी वो लगा देते हैं और आपको कहते हैं कि 3 महीने आपको काम करने की परमिशन नहीं है, लेकिन 3 महीने में आप जर्मन का कल्चर सीखें, लैंग्वेज सीखें और अपने लिए कोई ना कोई स्कूल लैंग्वेज सर्टिफिकेट हासिल करें A1 या A2 का। इन 3 महीनों में जर्मन आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, वो कह सकता है कि आप अपने लिए कोई स्कूल भी देखें। कुछ लोग होते हैं वो स्कूल की तरफ, लैंग्वेज की तरफ जाते ही नहीं है और बाद में उनका टाइम भी वेस्ट होता है, वो कहते हैं यार हमने वेले होके लैंग्वेज भी नहीं सीखी, ये तो बहुत बुरा काम किया। तो अगर आपने असाइलम करना है और जर्मन आपको टाइम देता है, आपको काम की परमिशन 3 या 6 महीने नहीं देता, तो आप इस टाइम पीरियड में अपने लिए कैसे भी लैंग्वेज सीखा करें, आपको कुछ भी पे नहीं करना और उल्टा जर्मन आपको 360 या 380 यूरो हर महीने दिया करेगा। और हर इलाके का अलग हिसाब है, जैसे कि अगर मैं स्टुटगार्ट की बात करूं, वहां पे अगर किसी बंदे का असाइलम होता है तो जर्मन आजकल 390 यूरो लोगों को दे रहा है। अगर आप फ्रैंकफर्ट में जाते हैं तो वहां पे थोड़े से ऊपर नीचे हैं पैसे, अगर आप बर्लिन में जाते हैं तो बर्लिन में तो क्या हो रहा है आजकल, एक चीज आपको समझने की जरूरत है, जब आप असाइलम करते हैं कभी कभी आजकल वो आपका केस शुरू होने से पहले भी खत्म कर सकते हैं, ये जर्मन के लॉ में है, ठीक है, वो चाहे तो आपका केस 1-2 साल 3 साल चला सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो आपका छोटा और बड़ा इंटरव्यू एक साथ ही आ जाता है। और कभी कभी कुछ कैंप ऐसे हैं जहाँ पे आप जाते हो और उसी कैंप में ही आपका सारा केस वाइंड अप हो जाता है और कहता है जर्मन आपको कि भाई हम आपको 15 या 20 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप हमारा कंट्री छोड़ सकते हैं। तो ये सारी हकीकत का आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है जर्मनी में।